आपका राशन कार्ड बना है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो हो सकती है आपको जेल और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए हुआ क्या है, राशन कार्ड में कुछ अपडेट किए गए हैं। जिन लोगों ने फ्री में राशन कार्ड लिया है, उनके पास राशन कार्ड था, वो फ्री में राशन लिया है और उसके वो पात्र नहीं थे, तो उनसे जो राशन लिया है और राशन का पैसा वसूला जाएगा। कौन कौन लोग पात्र नहीं थे आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हो, यहाँ पे हमने बिल्कुल पक्के प्रूफ के साथ आपको बताया है, कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी खुद जानकारी लेकर के आऊँ आपको बता रहा हूँ, पक्के प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। गूगल पे चलते हो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा राशन कार्ड न्यू रूल, यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा न्यू रूल्स और यहाँ पे आपको न्यू रूल्स और जी न्यूज़, यहाँ देख सकते हैं मैंने जी न्यूज़ का भी जिक्र किया, जी न्यूज़। देन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं इन राशन कार्ड रूल्स, इन चार स्थितियों में रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड। देख सकते हैं इन चार स्थितियों में रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड। जरा ऊपर चलते हैं, आपका राशन कार्ड जाने क्या लेटेस्ट रूल्स क्या हैं वो समझेंगे। सरकार की तरफ से आप पात्र राशन कार्ड धारकों को कार्ड को सरेंडर करने या निरस्त करने की अपील की गई हो। ओ बउआ रोने लगा, इधर देख बउआ, उधर निरस्त करने की अपील की गई। अगर कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले सरकार के सत्यापन में पकड़े जाते हैं, जिन्होंने कार्ड को सरेंडर नहीं किया और सरकार के सत्यापन में पकड़ लिए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, साथ ही उनके अब तक के लिए गए राशन की वसूली भी की जाए, जितना भी राशन लिया है उसने उसकी भी वसूली की जाएगी, ऐसा नहीं छोड़ा नहीं जाएगा। कैसे वसूली की जाएगी उसकी भी बात मैं आगे करता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप भी राशन कार्ड धारक राशन कार्ड होल्डर हैं तो यह आपको खबर जरूर पढ़नी होगी। दरअसल सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए फ्री राशन की व्यवस्था शुरू की थी, ये आपको पता ही है, लेकिन पिछले दिनों सरकार की जानकारी में आया कि लाखों अपात्र लोग जो पात्र नहीं है राशन लेने के लिए, उनको भी राशन वो भी राशन ले रहे हैं, सरकार की फ्री राशन में वो भी राशन ले रहे हैं। कार्रवाई भी की जा सकती, मैंने आपको बताया, आपने थंबनेल में पढ़ा, कार्रवाई भी की जा सकती, इसके लिए सरकार की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है, ऐसे लोग खुद अपना राशन कार्ड निरस्त करवा लें। जो पात्र नहीं है राशन कार्ड के, कौन लोग पात्र नहीं वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा, निरस्त करवा लें। राशन कार्ड निरस्त नहीं कराया तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम इसे रद्द कर देगी, एक बार वेरीफाई किया जाएगा, अगर आप उसके पात्र नहीं तो वो खाद्य विभाग वाले ही आपका राशन कार्ड निरस्त कर देंगे अगर आपने नहीं करवाया है, इसके खिलाफ आपके साथ कार्रवाई भी कर दी जाएगी। कार्रवाई क्या होगी, क्या है नियम, कौन लोग पात्र नहीं थे और राशन ले रहे थे। जैसे यदि किसी कार्ड धारक के पास खुद की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का फ्लैट या मकान, चारपहिया गाड़ी, ट्रैक्टर, सत्र, लाइसेंस, गांव में 2 लाख और शहर में 3 लाख सालाना से अधिक पारिवारिक आय, गांव में 2 लाख और शहर में 3 लाख से सालाना पारिवारिक आय है, तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और DSO कार्यालय में सरेंडर होना चाहिए। आप समझ गए, आप फिर से पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर। मैंने आपको बताया ना कि इन लोगों को राशन कार्ड सरेंडर तुरंत करवाना होगा, मैं केंद्र प्रभारी, होगी वसूली, सरकार के नियमानुसार यदि राशन कार्ड धारक कार्ड को सरेंडर नहीं करता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा, उसके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को जब वह राशन ले रहा तब से राशन की वसूली भी की जाएगी, मतलब जब से वो फ्री का राशन खाया तब से उस राशन का पैसा भी वसूला जाएगा। आशा करता हूँ, देख सकते हैं ये जानकारी मैंने दी है, आप यहाँ से पढ़ करके और अपने यहाँ बात करके अगर आप इस राशन कार्ड के पात्र नहीं है तो अपना राशन कार्ड तुरंत सरेंडर या निरस्त करवा दीजिए दोस्तों, कि तो वरना जुर्माना प्लस यहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई आपके साथ हो सकती है और राशन जो आपने लिया है उसका ही पैसा वसूला जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बउआ बोल दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले, इधर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक लिस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू ऑल, यूट्यूब फैमिली।